सच है तो दिखेगा। प्रोग्राम कौन होगा, कैसा होगा आपका विधायक, इस सिलसिले में, इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र में। और निरसा विधानसभा क्षेत्र के इस चुरकुंडा बाजार, जो इस विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख मंडी है और बंगाल से सटा हुआ है, उसके लोगों से जुड़ेंगे, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि किस तरह का इस जो 2019 का जो चुनावी समर है उसका बिगुल बज गया है, इस निरसा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले एक निरसा विधानसभा क्षेत्र का देखते हैं एक प्रोफाइल। निरसा विधानसभा सीट झारखंड राज्य की 81 सीटों में से एक है। धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली ये सीट 2005 में विधानसभा क्षेत्र घोषित की गई। तब यहाँ हुए चुनाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अपर्णा सिंह गुप्ता विधायक चुने गए। 2000 में गुरुदास चैटर्जी की हत्या के बाद उनके पुत्र अरूप चैटर्जी ने उपचुनाव लड़ा और वो जीत गए। हालांकि अरूप चैटर्जी 2005 में चुनाव हार गए। साल 2001 में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सुशांतो सेन गुप्ता की हत्या के बाद 2005 में उनकी पत्नी अपर्णा सेन गुप्ता ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2009 और 2014 के चुनाव में जनता ने फिर अरूप चैटर्जी पर अपना भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा पहुंचाया। इस बार फिर एमसीओ से अरूप चैटर्जी मैदान में हैं। उनके सामने अपर्णा सेन गुप्ता बीजेपी के टिकट पर दाव आजमाएंगी। देखना होगा जनता। निरसा विधानसभा क्षेत्र का प्रोफाइल दिखाया और बताया कि किस तरह इस विधानसभा क्षेत्र से हमेशा जो शुरुआती दौर में लाल झंडे का गढ़ रहा करता था, 2014 के चुनाव में यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर हुई थी और बीजेपी जो है बहुत कुछ वोटों से पराजित हुई थी, 1200 वोट के पराजित हुई थी। लेकिन उसके पहले 2000 से बात करें तो मासस के प्रत्याशी यहाँ जीते आए हैं। सिर्फ बीच में एक बार 2005 वो फॉरवर्ड ब्लॉक की अपर्णा सेन गुप्ता यहाँ से विजय हासिल हुई थी और राज्य में मंत्री भी बनी थी। तब इस बार कैसा होगा इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक, इस पे चर्चा करने के लिए विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, निरसा क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, जुड़ेंगे सीधे उनसे और जानेंगे जो किस तरह का विधायक उनकी अपेक्षा पे उनकी चाह रहे हैं और जो वर्तमान जो विधायक थे वो कितना उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। तो सबसे पहले जुड़ते हैं आपसे ही सर, आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम शंकर अग्रवाल है। आप जुड़े हुए हैं? हाँ, आप जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है जो वर्तमान जो परिदृश्य है उस स्थिति में निरसा विधानसभा क्षेत्र, पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने यहाँ सीट लूज की थी, अब फिर से वो माहौल आ गया है, लेकिन इस बार जो रुख दिख रहा है बहुत भागम भाग वाला है, लोग किसी और को चाह रहे थे, कोई और कैंडिडेट हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या कुछ कैसा विधायक आप अपने लिए चाह रहे हैं? नहीं, ठीक ही है जो है, और बदलाव चाहती है जनता, और अब तो आंदोलन तो है ही नहीं और नहीं नैतिकता है और कोई विचारधारा भी नहीं है, अब तो बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है क्यों? विधायक अरूप चटर्जी पे लगातार विश्वास इस क्षेत्र की जनता ने किया है और उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए और अब इस बार फिर वो अपने क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। विकास तो जो भी विधायक बना विकास तो किया ही है, सभी किया है, सबको सब करता ही है, जो भी विधायक जो भी रहता है विकास करता ही है, विकास तो करता ही है, बस यही रोजी रोजगार नहीं देता है, विकास तो करता ही है। चलिए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पुराने जनसंघ के नेता हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति है इस निरसा विधानसभा क्षेत्र में? बहुत अच्छी है, भाजपा के फेवर में है और इस बार निरसा विधानसभा से भाजपा एकदम क्लीन स्वीप निकलेगी। मतलब 2014 में जो चूक हुआ था उसको आप लोगों ने पाट लिया? एकदम। लेकिन विरोध भी तो दिख रहा है, पिछले दिनों रघुवर दास और सांसद पीएन सिंह का लोगों ने पुतला फूका। नहीं, ये तो कहीं युवा मोर्चा का नाम आया था, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारे पार्टी के कोई लोग नहीं थे। अब भाड़ा से कोई भाड़ा का कोई किधर से आके चिल्लावे, उसको कोई वो नहीं है। और आपकी पार्टी में ही थी अनीता गोराय, उसने पार्टी से रिजाइन करके अब वो निर्दलीय या फिर आशु से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो इसका असर नहीं दिखेगा आपको? नहीं नहीं, असर देखिए, कमल फूल जो भी छोड़ा है, आप हमसे अच्छी तरह से जानते हैं, धनबाद जिला में समरेश सिंह हो या और भी कई बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो कमल फूल जिनसे हटा है उनका क्या असर हुआ वो हमसे अच्छा आप जानते हैं।
चलिए देखिए, ये भाजपा नेता है, इनका कहना है। आप सर किससे जुड़े हुए हैं आप? हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी का ही हैं। अच्छा, आप भी बीजेपी से हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसे जो ऊहापोह की स्थिति है पूरे राज्य में, भाजपा के जो स्थिति है जमशेदपुर पश्चिम में भी देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके एक बड़े नेता चुनावी मैदान में है, तो इस बार आप लोगों ने अपर्णा सेन गुप्ता को यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है, उनका विरोध गणेश मिश्रा जी के समर्थकों ने भी किया था और अनीता गोराय के द्वारा भी किया गया, और अनीता गोराय तो अब निकल के अब दूसरे दल में जा रही है और वहाँ वो चुनाव लड़ेगी, ये तय है, तो इसका असर दिखेगा नहीं आपको? 100% दिखेगा, 110% दिखेगा। आज का दिन जो पोजिशन है अनीता गोराय का, सबके सुख दुख में आने का काम करती है, और इस बार उसको 22,000 कम से कम अपने घर डोर टू डोर जा करके अपना जो अभी बनाए मेंबरशिप, उसका भी प्रभाव है जनता पर। जनता का एक तरह से आक्रोश मन में भरा हुआ है कि इनको टिकट मिलता तो हम लोग निर्विरोध निकल जाते। आज अभी इनका यही मन में है, पब्लिक का उनका है, पब्लिक ही बोल रहे हैं कि आप इस बार इलेक्शन लड़िए और निर्दलीय लड़िए, फिर भी लड़िए, तो उनका वो क्या करेंगे इस विचार में उनको भी अभी पूरा असमंजस में पड़े हुए हैं कि आप अनीता गोराय जी के समर्थक हैं। अनीता गोराय जी इतना अच्छा है कि हम लोग का सुख दुख में कभी भी हम लोग बुलाते हैं, कभी भी आ जाता है। आज वो नहीं है तो हम लोग मायूस है, हम लोग बीजेपी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है, लेकिन अनीता को टिकट नहीं मिलने से हम लोग को बहुत तकलीफ है। तो इस चुनाव में क्या उसका असर दिखेगा? जरूर दिखेगा, दिखेगा, जरूर दिखेगा। जो सीट निकलने वाला था वो सीट खत्म हो गया, वो सीट लूज कर जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? सुन लीजिए, उनका सुन लीजिए जी, आप ही बताइए। हमने ये बोला, हम दिल्ली राजधानी में गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली राजधानी में 25 साल से गाड़ी चला, सोनागढ़ हमारा घर है, कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। बस चलिए, बीजेपी को कोई नहीं रोक नहीं सकता, इनका यह दावा है। आप सामने आ जाइए, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ सीन रहेगा और किस तरह का विधायक, नया जो विधायक 2019 का जो आएगा, किस तरह का विधायक चाहते हैं आप? हमारे लिए तो अरूप चटर्जी ही अच्छा विधायक है, और हमारे यहाँ पर जितने पूंजीपति लोग हैं उनको कभी इनसे कोई तरह की परेशानी नहीं हुई है, वो भले सामने नहीं आते लेकिन दबी जबान में भी वो उनके ही समर्थक में और समर्थन करते आए हैं, और जीत का दायरा इस बार पब्लिक देखेगी और पब्लिक का ही सपोर्ट हमारे साथ है। हम किसी धर्म के लेके राजनीतिक नहीं करते हैं, न किसी राम मंदिर मुद्दे पे या किसी के और बातों पर हम नहीं करते हैं। हम मतलब अरूप चटर्जी सबके मान्य सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन आप एक बताइए, कोई दो तीन काम बताइए जिन्होंने जो उन्होंने इस निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया है जिससे लोगों को रोजगार मिला है, बेरोजगारों का पलायन की स्थिति वही है। हाँ, बेरोजगार तो पूरी इंडिया में छाया हुआ है, खाली निरसा विधानसभा में नहीं है ये रोजगार की बात। रोजगार के लिए तो हमारे बैठे हुए प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, सांसद महोदय हमारे बीजेपी के, राज्य में बीजेपी का, फिर जनता त्रस्त है, तो ये सिर्फ एक नेता विधायक हमारे निरसा के कितने कर पाएंगे। तो मतलब निरसा फिर से अरूप चटर्जी के साथ? बिल्कुल जी, उन्हीं के साथ। चलिए, ये देखिए, ये अपने अपने समर्थकों का दावा है, आप जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अब अलायंस में ये सीट चली गई, आपको क्या लग रहा है, आप अलायंस के साथ हैं या कहीं कुछ नाराजगी है? अभी तक तो ऐसी कोई भी सूचना हमें नहीं आई है जो पार्टी अलायंस कर चुकी है, अभी तक हमारे पास ऐसे रिपोर्ट नहीं है, वो अखबारों के माध्यम से अभी तक आई है जो पार्टी अलायंस कर ली है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है सेंट्रल कमेटी का, जो अरूप चटर्जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस हुआ है। तो किस तरह का विधायक अब आप देखना चाहते हैं अपने इस निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए? मैं उस व्यक्ति को विधायक देखना चाहता हूं जो निरसा में विकास की गंगा बहाए, और वर्तमान में जो भाजपा के जो डबल इंजन के जो सरकार बोलती है, आज भाजपा के नेता सबसे ज्यादा धनबाद जिले के अंदर में है, अगर 6 विधानसभा में माना जाए तो सबसे ज्यादा सांसद और भाजपा के विधायक यहाँ पर है, लेकिन ना विकास है, ना अपराध रुकी है, ना किसी को रोजगार मिल पाया अभी तक, रोजगार नहीं मिल पाया, तो अब बदलाव चाहते हैं, एकदम निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं इस बार हमारा अशोक मंडल जी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट निरसा विधानसभा से होगा, ये दावा है आपका, आपको क्या लगता है कैसा विधायक आपको चाहिए? देखिए, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ, अल्पसंख्यक का अध्यक्ष चिरमुंडा, यहाँ पर बोलते हैं कि डबल इंजन का सरकार, सबसे पहले तो मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो भी दैनिक जागरण को, हमारे यहाँ डबल इंजन के सरकार में डेंगू पीड़ित से एक लड़का मर गया,
मीडिया तो अपना काम करती है वो कर गया, मगर यहाँ डबल इंजन का सरकार बोल के नहीं है। और यहाँ पर 6 साल मैंने 30 साल से मासस का राज चल रहा है। एक बार में अपर्णा सेन गुप्ता यहाँ पर बीच में घुसा, मंत्री बना, मगर इस प्रभाव नहीं है इस बार अपर्णा सेन गुप्ता का, ठीक है। और जहाँ तक विधायक का होता है, यहाँ पर एक भी विकास कोई भी दिखा दे, 4-4 हॉस्पिटल है यहाँ पर, एक भी डॉक्टर, कुत्ता इंजेक्शन का दवा नहीं है यहाँ पर, तो क्या है विधायक, ऐसा विधायक तो नहीं। और इस बार हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से अशोक मंडल यहाँ से जीत रहा है। और ये नहीं भवन, अगर पार्टी टिकट देगी तब ना, टिकट पार्टी देगा ही, मैं अभी तुरंत रांची से आ रहा हूँ, अब टिकट मिलेगा। प्रभात खबर में खाली विधायक का वो ये है, चलिए ये आपको आज या कल कैंडिडेट अशोक मंडल जेएमएम का होने जा रहा है, अशोक मंडल होने जा रहे हैं। तो देखिए अब इनका जो दावा है, जो अगर जेएमएम जो है यहाँ पे अपना कैंडिडेट देगी और अशोक मंडल लड़ेंगे और जीतेंगे भी, आपको क्या लग रहा है किस तरह का विधायक आपको चाहिए? हम लोग का निरसा में जुझारू विधायक चाहिए। अरूप चटर्जी नहीं है? अरूप चटर्जी जुझारू हैं लेकिन मतलब मैनेजेबल हैं, लेकिन लगातार उनको मिला जी, एकदम मिला है। हम लोग का निरसा विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास भी वो किए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, निजी राय मेरा है कि अरूप चटर्जी फायर ब्रिगेड नेता नहीं है। हम लोग को इस बार अनीता गुराई को एक बार टिकट दे करके, क्योंकि इस बार अनीता गुराई का जो टिकट कटा अब जी, जो भी है कटा ठीक है, लेकिन हम मेरा पर्सनल मानना था कि अनीता गुराई को इस बार टिकट मिलना चाहिए था। और निर्दलीय लड़ रही है, वो बोली है आशु से या निर्दलीय या जेबीएम से किसी से लड़ेगी, और वो क्षेत्र में विकास भी करती, जनता का सुख दुख में इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव 5 साल रही मैडम, मतलब हम लोग जब भी रिंग किए हैं उनको, मैडम उपस्थित हुई है हम लोग के बीच में। अभी एक बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका सब कुछ वही की है। चलिए मतलब वो नेताओं का, हाँ हम लोग का नज़र में अभी उभरता हुआ सबसे ज़्यादा अच्छा नेता वही जनप्रतिनिधि चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह की विधायक आपकी जरूरत है, क्या सोच रहे हैं? देखिए जहाँ तक मेरे सोचने की बात है, यहाँ पे सांसद और प्रधानमंत्री की बात ही नहीं होनी चाहिए। निरसा क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं या खड़े होने वाले हैं, जो कयास लगाया जा रहा है कि ये खड़े होंगे या वो खड़े होंगे, सीधी टक्कर मासस वर्सेस भाजपा ही होगी, इसमें दो कोई राय नहीं है। और जो कि दो बार विधायक अरूप चटर्जी ने दो बार अपर्णा सेन गुप्ता को हराया है, एक बार उनको चांस मिला, जनता को उनकी सहानुभूति से जीती थी, स्वर्गीय सुशांत सेन गुप्ता उस समय का मर्डर हुआ था, उसकी सहानुभूति से जनता ने उनको जिता कर लाया था सामने, लेकिन पिछले 5 साल में वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, इसलिए जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। और चाहे लाख लोग कितना भी दावा कर लें, पिछले 65 सालों से इस निरसा में लाल झंडे की सरकार है। अगर ये सरकार अच्छी नहीं होती, सिर्फ विकास का दावा कर देना ही विकास नहीं होता है, आपको 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच खड़ा होना पड़ता है। यही इसी चिरकुंडा की घटना है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लड़कों को जिस तरह से फंसाया गया था, विधायक जी ने 7 दिन के अंदर पिछले 4 साल से चलता हुआ केस सोल्व किया है। और यहाँ पे किसी से पूछ लीजिएगा, आज वो लड़के पूरी तरह से यहाँ पे भाजपा का झंडा धोने वाला कोई नहीं है। विकास की गंगा बहाना प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है, तो ये तो हमारा छोटा सा विधायक है। लेकिन 2014 में बहुत हारते कहते एक तरह से जीते थे आदू। 2014 की बात सर, अच्छे अच्छे दिग्गज नेता जहाँ पे पटकनी खा चुके थे, वहाँ हमारे विधायक जी ने 1035 वोटों को संभाल के रखा और जीत दर्ज की। इस बार मेरा दावा है कि इस बार हम लोग 60,000 से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? बोल दिए विधायक अरूप चटर्जी जीतेंगे? वो नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते। मतलब कुछ परेशानी हो सकती है? हो सकते है, जरूर हो सकते। कारण तो बहुत कुछ है। कारण कुछ नहीं है सर, पूछिए। कारण बहुत कुछ है, क्योंकि लहर भी तो कुछ ही होता है ना। तो लहर है बीजेपी का? लहर तो है ही है। कहाँ है वो तो जब मोदी जी आगे तब पता चल जाएगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन मोदी जी के सहारे कितना दिन चलिएगा आप लोग? लोकल भी तो मुद्दे है बहुत सारे। चलना ही नहीं है जी। कहिए। मैं संजय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ।
मैं आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से, लेकिन जिस प्रत्याशी को दिया गया है यहाँ पर, जिसके नाम पर कभी कोई दाग नहीं, अपने मंत्री काल में भी बढ़िया काम किए, उन्होंने बुक छपाया जो बहुत घरों में बांट दिया गया। अपर्णा जी की बात कर रहे हैं? अपर्णा जी की बात कर रहा हूँ, जिसके छवि में कोई दाग नहीं है। आज 25 सालों से आप लोग भी देख रहे हैं क्या विकास हुआ चिरकुंडा का, जितना भी इंडस्ट्रियां बंद हो गया, आज लड़का लोग बेरोजगार के चलते बाहर बाहर जा रहा है, इसका कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आज यहाँ पर जो भी गलत काम हो रहा उसका जिम्मेवार कौन होता है यहाँ का? जनप्रतिनिधि की ओर से। लेकिन जनप्रतिनिधि का अपना परेशानी है, सरकार आज नगर परिषद मैं बोल रहा बता रहा हूँ, चिरकुंडा का विकास नगर परिषद कर रहा, उसका विकास चिरकुंडा में एक भी दिखा दीजिए हमें। मैं बता रहा हूँ, सरकार दूसरे दल की बहुमत की सरकार और विपक्ष का विधायक स्वतंत्र एमएलए है, जिसका कोई अपने मालिक है, अपने टिकट बांटता, उसका तो कोई, वो तो अपने बेहिचक विकास कर सकता था चिरकुंडा के जनता के लिए, छोटा छोटा इंडस्ट्री करा सकता था, बेरोजगार लोगों को नौकरी दिला सकता, किसके लिए लड़ा? यहाँ नटराज एरन में है जो इसमें कोई भी बोल दीजिए कि यहाँ लोकल लड़का काम कर रहा, तो क्या बदलाव की बयार दिखेगी? क्या बदलाव की बयार? 100% जनता चुप है, जनता चुप है, जनता वोट का बर्बाद नहीं करेगा, आप इसको देख लीजिएगा और रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। आप क्या मानेंगे सर, कैसा विधायक आपको चाहिए? जो विकास करे, जो विकास करे, और हम लोगों ने आज तक 25-30 साल का हम लोग का तजुर्बा है, आप भी मीडिया हैं, आप आज से भारत 25-30 साल पहले कहाँ था और आज की स्थिति में कहाँ है। हमारा चिरकुंडा भी आज से 25-30 साल पहले आप रोड में चल नहीं सकते थे, आज ये विकास कौन किया है? घर घर एक महिला अपने आप को आप व्यस्त हो गई है, ये विकास कौन किया है? घर घर में महिला बैठी रहती थी, भात दाल सब्जी बनाती थी, जेंट्स आएंगे खिलाएंगे, आज जाके देखिए, आप घर घर में जाके देखिए तो आपसे ज्यादा हमारे घर की महिला व्यस्त है, बैंक जाना, ये काम करना, वो काम करना, सरकार की योजना का लाभ उठाना, ये सब तो आप और हम देख ही रहे जो विकास क्या हुआ। तो विधायक कैसा चाहिए आपको? अभी विधायक का चुनाव है। हाँ, विधायक का चुनाव है तो जो विकास कर रहा है उधर ही लोग जाएगा, तब आम जनता भी उधर ही जाएंगे। तीसरा तरफ जाओगे भैया तो फिर 70 साल पीछे आ जाओगे। हाँ, ये तो हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया है, हम भी जनता हैं, हम लोग तो सब देख ही रहे हैं जो विकास कौन कर रहा। आज 70 साल जो देश पीछे चला गया था उसको लाया है कौन? एक मोदी ही तो लाए हैं। बस हम लोग हैं, आप इस बार केंद्र का नेतृत्व तो जो है तो हम लोगों को बढ़िया प्रत्याशी दिए हैं, इस बार निरसा की जनता अपना दिखाएगी। चलिए देखिए, ये अपने अपने दावे हैं, अपने अपने समर्थन, आप युवा हैं, किस तरह के विधायक की जरूरत है आपको इस निरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें ग्रास रूट पॉलिटिशियन हमें चाहिए जो एक जमीनी स्तर से कार्य करे। वो नेता नहीं कि मैं ये विकास कर दूंगा, वो विकास कर दूंगा, विकास के दावे। अगर चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र है तो चिरकुंडा का विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी नगर परिषद के क्षेत्र के ऊपर आती है, ये नहीं कि विधायक के ऊपर। अगर हमें विधायक चाहिए तो रोजगार, बात आती है रोजगार के ऊपर, हम पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाते हैं तो रोजगार, तो वो रोजगार जब केंद्र में बैठे और राज्य में बैठे और सदन में बैठे, हमारे सांसद माननीय मुख्यमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री नहीं दे पाए तो फिर एक विधायक के हाथों की बात नहीं है। लेकिन वो विधायक जिसके घर हर लोग मायूस चेहरा लेकर जाता है और जब लौटते वक्त उनके चेहरों पे एक खुशहाली होती है, हमें वैसा विधायक चाहिए। तो जो 65 साल से जो विधायक माननीय शहीद कॉमरेड गुरुदास चटर्जी जी करते आ रहे हैं, जो कॉमरेड अरुण चटर्जी जी करते आ रहे हैं, और मुझे पता है कि 2019 के चुनाव में भी 19 से लेकर 24 तक अरुण चटर्जी जी ही करेंगे, हमें वही विधायक चाहिए। चलिए रुकते हैं थोड़े से एक ब्रेक के लिए, क्योंकि यहाँ जो बहुत रुख जो है अपने अपने नेताओं के प्रति, अपने अपने दावे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे यही निरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता से और जानेंगे जो उनके नजर में इस बार 2019 जो है किस तरह का विधायक चाहिए, वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी कितने कारगर साबित हुए या फिर बदलाव की बयार बहेगी। कहीं जाइएगा नहीं, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सबों का स्वागत है, धनबाद जिला का ये निरसा विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ के चिरकुंडा जो प्रमुख बाजार है और बंगाल से जोड़ने वाला शहर, झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाला शहर, यहाँ के लोगों की चर्चाएं आप लोग को सुना रहे थे, दिखा रहे थे, अपने अपने नेताओं के पक्ष में अपने अपने लोगों का दावा है, विकास
सबको ही चाहिए। चलते हैं फिर से एक बार जुड़ते हैं उनसे, मासस के बहुत बुजुर्ग लीडर हैं हमारे साथ, शुरू से देख रहे हैं, गुरदास चटर्जी को भी आपने देखा है, बदलाव की आवश्यकता है निरसा को? निरसा का जनता उसको फैसला करेगा। हम लोग बदलाव का 90-95-2000 में भी सुने थे, 2005 छोड़ के, खाली 2005 को हम लोग ये कहते, लेकिन यहाँ का जनता जानता है और उपचुनाव जी को जिताया था, एमसीसी को जिताता है, इसलिए बदलाव का कहा कि यहाँ का जनता उसका जवाब 16 तारीख देगा, क्योंकि यहाँ का जनता अपने दुख सुख का साथी हर मोर्चा में खड़ा होने वाला साथी को चाहता है। जैसे अभी कुछ बोल रहा था जो नगर परिषद क्षेत्रों में विकास, एक तो हम बोलेंगे नगर परिषद जो अभी है, नगर परिषद बोर्ड बीजेपी का है, उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीजेपी का है, तो उनका क्या दायित्व तो नहीं बनता है? बनता है, निश्चित बनता है। मतलब बदलाव की जरूरत नहीं है आपके नजरिए से, तो यही मानेंगे हम? ना बदलाव का जरूरत, हम तो अभी बोलेंगे हम पार्टी का ई कैडर है, नेतागिरी करते हैं उसको, लेकिन यहाँ का जनता बोलेगा। आपको क्या लग रहा है इनके दावों में कितना दम है? वो तो वो अपनी, उनकी विधायक वो तो कहेंगे ही कि हमारा विधायक ने बहुत अच्छा काम किया। तो आप देख रहे हैं 15 साल से वो जो अभी जो भाजपा के जो मासस के जो विधायक हैं वो 15 साल से यहाँ पर हैं। विकास सड़कें बनाना विकास नहीं होता है, वो कोई भी विधायक रहे कोई भी सरकार रहे, सड़कें बनेंगे ही, बिजली आएगी ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ रोजगार का। 15 साल के दरमियान कोई भी ऐसा उद्योग नहीं लगा है निरसा में जो निरसा के लड़के को रोजगार मिल सके, कोई भी ऐसा संस्था नहीं मिली है जो लोगों को रोजगार और शिक्षा भी दे सके। और आप अभी देख रहे हैं जब जब चुनाव आती है तब तब बंद पड़ी फैक्ट्री खुलती है, और जब चुनाव खत्म हो जाती है वो फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। तो मतलब बदलाव की संभावना दिखती है? एकदम निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा निरसा विधानसभा में, और हमारा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा इस बार। आपको क्या लग रहा है? हम तो बता ही दिए, जैसे कि अभी बता रहे थे कोई भाई अभी कि जैसे केंद्र में सरकार मोदी का हो इसका हो, तो मैं बता रहा हूँ जैसे विधायक जी ने अभी माने जाए बीजेपी का सरकार है वो काम नहीं किया, इसका पहले तो विधायक जी था जेएमएम में, तब क्यों नहीं आदमी को रोजगार दिया विधायक जी? उसमें तो था वो, तो विधायक जी उसमें कुछ तो सोचना चाहिए आदमी को, उसमें तो सरकार पे था वो, अभी बीजेपी की सरकार है ठीक है, नगर पंचायत अलग है, उसमें तो विधायक जी था साथ में, क्या बोल रहे उसको हेमंत सोरेन के साथ, तो उसमें क्यों नहीं जनता के बारे सोचा? उसमें हम लोग चिरकुना के मसान घाट है, हम लोग विधायक जी को बोल बोलने थक गए, मगर आज तक विधायक कभी उसको नहीं बनाया, कभी कोई चीज नहीं जाता वो काम कर रहा है, आज तक उसमें घाट में सारा आदमी जाता है। चलिए आपके आप, मगर इस बार जान या क्या बोलते हैं निरसा में बदलाव होना चाहिए, और ऐसा नेता होना चाहिए जैसे अभी अनिता गोरे हैं, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो जब बुलाती आती और करते है और टेबल ठेक कर करते है, वैसे नेता चाहिए हम लोग को, अनिता गोराई चाहिए। देख लीजिए आप, देखिए वो अपने मन में सब यहाँ पर नेता, लेकिन देखिए सच्चाई क्या है यहाँ की, जितना भी निरसा के जनता है वो देखिए, हम घरेलू भाषा में एक बात बोले, आदमी सुन लीजिए, आदमी खाते खाते है ना एक ही चीज खाते खाते थक जाता है, तो बोलता चलो आज हम पनीर खाएं, आज हम मुर्गा खाएं, आज हम मीट खाएं, नहीं ऐसा ही चाहिए। क्या बदलाव की जनता देख रही है, पूरा निरसा की जनता, चिरकुंडा की जनता और यहाँ की जनता बहुत ही समझदार है, वो इस बार एकदम स्वच्छ छवि और मेहनत कश लेडीज जो हमारे अपर्णा सेन है उसको एकदम रिकॉर्ड मतों से जिताएगी, इसका बयान मैं अपने से नहीं, आने वाली 23 तारीख को आप लोग देखेंगे। जनता इंसाफ करेगी, जनता को पानी चाहिए स्वच्छ पीने वाला, जनता को रोड चाहिए अच्छा, रोड बना के नाम पर कमीशनबाजी हो रहा है खाली, समझे, रोड के नाम पर कमीशनबाजी हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई विकास यहाँ पर नहीं है, नगर पंचायत की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है, नगर पंचायत तो सरकार है ना, तीसरा सरकार नगर पंचायत होती है, लेकिन तीसरा सरकार क्या कर रहा है, आंख मूंदे हुए सरकार को नहीं बुझा रहा है कि मेरा तीसरा सरकार वहां क्या कर रहा है? हमने पानी का मुद्दा उठाया था, नाली के मुद्दा उठाया था, ये होल्डिंग टैक्स लेता है, वाटर टैक्स लेता है, फिर भी हमारा पूरा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव और विधायक चुनाव के बात में बोल रहा हूँ, नगर पंचायत का, नगर पंचायत विधानसभा में आता है, हम विधानसभा में है कि नहीं, हम नगर परिषद में है लेकिन मैं विधानसभा में हूँ, विधानसभा क्षेत्र है, हमको विकास वाला एमएलए चाहिए जो विकास करे, आप बुलाएं तो आवे, ऐसा बात नहीं है कि हम बुलाते हैं तो खाली अनिते बुलाया जाता है, अब विधायक जी नहीं आते हैं, विधायक भी आते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, अभी छठ घाट के लिए 10 लाख रुपया दिया, कहीं भी जितना मंदिर वो बना दिया है ना उतना मंदिर बीजेपी भी नहीं बना पाए,
मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं मोदी का आदमी हूँ, मैं मोदी का पक्का भक्त हूँ। लेकिन यहाँ विकास होगा या नहीं होगा? निशा में विकास हुआ है, सिर्फ विकास हुआ है, हरी मंदिर और करबला और आपका ये कब्रिस्तान का बाउंड्री, यही दो तीन चीज का विकास हुआ, आप इतना जान लीजिए। ये आप मीडिया वाले इसको भी आप लोग देखते हो। एक मिनट आएंगे आपके पास भी आएंगे, आपके पास एकदम संक्षेप में बताइएगा। संक्षेप में बता रहे हैं, बदलाव चाहिए या नहीं? एकदम नहीं, एकदम नहीं। बहुरूप चटर्जी आज जो मासस निरसा का धरती में अभी भी टिका हुआ है, वो जानते हैं क्यों? निरसा का शहीदों का अपना खून इस निरसा का धरती में बह रहा है, इसीलिए बदलाव की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं एकदम सच्चे में मैं कहना चाहता हूँ, आज एमपीएल में उतना उतना आदमी का जमीन गया है, उन लोग को नौकरी नहीं दे रहा है। ये अरुण चटर्जी दलाली खाता है, अशोक मंडल दलाली करता है। ये लोग तीन महीना में एफिडेविट दे कि एक भी जिसका जिसका नौकरी गया है, सब आदमी को घर घर जाके ज्वाइनिंग देंगे, नहीं तो अपना पद छोड़ देंगे। दूसरा मतलब बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, एकदम बहुत जरूरी है। चलिए ज्यादा लास्ट एकदम अंतिम, कुछ बातें आया है विकास का, उन लोगों को सब आपको मालूम होगा, निरसा जलापूर्ति योजना, निरसा जलापूर्ति योजना। लेकिन अभी एक आरोप आप भी सुने होंगे, जो एमपीएल में जमीन चली गई है लेकिन विधायक नहीं कुछ कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं हम। एमपीएल में जो जमीन गया नहीं कर रहा, सरकार किसकी है? 50,000 वोट गणेश मिश्रा को दिया था, उनका जिम्मेदारी नहीं है। एमपी किसका है? उसका जिम्मेदारी वहां तो बल के अरूप चटर्जी और अशोक मंडल विस्थापित के लिए आंदोलन करता है, बीजेपी को आज तक हम आंदोलन करने नहीं देखे। विकास का जो ये लोग बोला रोड नाला ये सब, निरसा को जो तीन पकड़ में किया उसका किसका लड़ाई है? जमीन से सदन तक लड़ाई विधायक अरूप चटर्जी ने किया। निश्चित 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 निश्चित। देखिए अब ये जो अपने अपने समर्थकों के अपने अपने दावे हैं, ये जो निरसा विधानसभा क्षेत्र है शुरुआती काल से लाल झंडे का गढ़ रहा है, लेकिन बदलते परिवेश में यहाँ भी रंग बदले हैं। और अभी जो मिलने देखने सुनने को मिल रही है, जो विधायक अरूप चटर्जी और अपर्णा सेनगुप्ता, अनीता गोराई भी बीच में है और अशोक मंडल भी सामने से हैं, हालांकि जेवीएम भी यहाँ कैंडिडेट देने की बात कर रहा है, क्या कुछ होगा? जनता ने अपना मन बना लिया है, अपने अपने दावे सभी के समर्थकों के हैं, जो वो सही विधायक के रूप में काम करेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। देखने वाली बात होगी जो निरसा विधानसभा क्षेत्र की और जो जनता है वो 16 दिसंबर को किसके साथ जाएगी, और इसका जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आएगा, तब पता चल पाएगा जो निरसा का जो ऊंट जो है किस करवट बैठता है। आज इस विशेष परिचर्चा में इतना ही, जल्दी ही किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे और वहां के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं और किस तरह का विधायक चाहते हैं। निरसा के इस चिरकुंडा से सहयोगी बंटी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।